चलिए शुरू करते हैं। जितने लोगों को जुड़ना है जुड़ जाएं। आवाज क्लियर है? पढ़ना है स्प्रिट शीट। इसका कुछ लैब भी हुआ था आप लोग का। स्प्रिट शीट को ही हम लोग बोलते हैं एक्सेल। एक्सेल से क्या काम करते हैं बेटा? कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, लार्ज अमाउंट के कैलकुलेशन को करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है एमएस ऑफिस एक्सेल, जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लार्ज अमाउंट के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करते हैं। यही इसी चैप्टर ये यही आपका चैप्टर है, इसी के बारे में जानना है। चलिए शुरू करते हैं। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। जो सबसे ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं इसका हेडर। उसी तरह से इस साइड में हेडर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी आगे नीचे। ठीक है, इसमें ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये जो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। हाँ, डिफिनेशन की अगर बात करें तो शेप क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन से, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर, तो भी आकृति बनती है सेल। उस करते हैं रो और कॉलम की, और कॉलम कौन सा होता है, तो जो हॉरिजेंटल होता है, यानी कि ये इस तरह से जो हॉरिजेंटल है इसको हम लोग कहते हैं रो, और ये जो वर्टिकल है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। ठीक है, ठीक है। जी तो अगर बात करें कि एक एक्सेल शीट में कितने रो होते हैं, रो की संख्या कितनी होती है, तो एक हॉरिजेंटल सॉरी एक एक्सेल शीट में जो रोज की संख्या होती है वो 10,48,576 होती है। कितनी होती है? 10,48,576 आपको रोज इसमें मिलेंगे। जैसे यानी कि जो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ तक जाता है? 10,48,576 तक जाता है। ठीक है, जी और जो इसमें कॉलम होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 1024। यानी कि वो ये जो कॉलम है, ये जो एबीसीडी है, इनकी क्वांटिटी होती है लास्ट तक 1024 कॉलम होते हैं। अभी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद फिर शुरू होता है ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, इस तरह से 1024 तक इनकी संख्या होती है। तो एग्जाम में ये आता भी है कि एक्सेल में कितने, एक्सेल शीट में कितने रो और कॉलम होते हैं, तो रो होते हैं 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है आपकी 1024। तीसरा चीज,
एक सीट में, सॉरी एक एक्सल में बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं, प्रैक्टिकल में भी मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट 3 सीट होते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। उसके बाद मैं बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। आगे आप चाहें तो बना सकते हैं जितना आप चाहें। उसके बाद जो अगला चीज इसमें पूछता है, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस बताना आता है आपको? अगर पूछा जाए किसी पर्टिकुलर सेल के बारे में कि उसका सेल एड्रेस कितना होगा, तो सब बता लेंगे? जी जी सब सबको आता है, क्योंकि आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा फिर उसमें सेल एड्रेस की ही बात करेंगे। जी एक बार, चलिए धन्यवाद। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जानकारी के लिए, ताकि आप लोग ये नहीं कहेंगे कि चार जी नहीं बताए थे, चार लोग से पूछ के आगे बढ़ गए। तो सेल एड्रेस जब भी पूछा जाए, जैसे सपोज दैट इस पर्टिकुलर सेल का सेल एड्रेस पूछा गया, इसका जिसमें लिखा हुआ है 2, अगर कहा जाए कि 2 का सेल एड्रेस कितना होगा, तो जब भी सेल एड्रेस बताने की बात आएगी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस कॉलम में है। तो ये किस कॉलम में है? सी कॉलम में है, है ना? इसका हेडर क्या है इधर कॉलम में? सी। ठीक, तो सबसे पहले लिख देंगे सी। उसके बाद देखेंगे ये किस रो में है, 2 रो में है, तो ये हो गया 2, इसका सेल एड्रेस हो गया C2। ठीक है, बता चुके थे? हाँ भैया, पिछली क्लास में बता चुके थे। हाँ मैं बता चुका था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसका सेल एड्रेस हो गया C2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एडिशन की। एडिशन अगर हम करते हैं, बताना है मुझे आपको रिफरेंसिंग। क्लास टॉपिक आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है रिफरेंसिंग, शायद पीछे क्लास में आपने पढ़ा भी हो, याद है किसी को रेफरेंसिंग? रेफरेंसिंग बना है वर्ड रेफर से। रेफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, रेफर करना। सपोज दैट कोई एडिशन हम कर रहे हैं, 5 और 6 को ऐड करना है, फॉर्मूला हमने डाला इक्वल, ऑपरेटर कॉलिंग करेंगे A2 प्लस B2। फॉर्मूला डालने के बाद हम इसको इंटर करते हैं, फॉर्मूला इसमें इंसर्ट हो जाता है, हाइड हो जाता है, और यहाँ रिजल्ट आ जाता है 11। लार्ज कैलकुलेशन है, इधर भी डेटा है हमारा, मान लीजिए यहाँ 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, 6 है, 2 है, 3 है, 1 है, इन सब का भी एडमिशन करना है। तो क्या बारी बारी से हर सेल में जाके हम फॉर्मूला इंसर्ट करें? अगर हम हर सेल में जाके फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे तो फिर ये आसान कैसे है? इससे अच्छा कैलकुलेटर यूज कर लें, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ऐसा करते नहीं है हम, अपने कर्सर को यहाँ पे ले जाते हैं, ले जाते ही ये प्लस थोड़ा सा चौड़ा होगा और इसको पकड़ के ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने का मतलब होता है कि जहां तक हम उसको ड्रैग करेंगे ये फॉर्मूला इन सब में कॉपी हो जाता है। कॉपी होता है बट अपना सेल एड्रेस चेंज करके कॉपी होता है, यानी यहाँ आते ही ये हो जाएगा A3 प्लस B3, यहाँ आते ही A4 प्लस B4, A5 प्लस B5। ठीक है, और अपने आप ही इन दोनों का एडिशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो हमने जब ड्रैगिंग की, इट मींस कि हमने इस फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी किया। जहां तक हमने ड्रैगिंग किया, यानी कि हमने फॉर्मूले को उन सारे सेल्स में कॉपी किया, तो रेफरेंसिंग इसी को कहते हैं। रेफरेंसिंग का मतलब होता है कॉपी फॉर्मूला वन सेल टू अनदर सेल। जब भी हम किसी एक सेल से फॉर्मूला को दूसरे सेलों में, बाकी सारे सेलों में कॉपी करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेफरेंसिंग। ठीक है जी, धन्यवाद। अब ये रेफरेंसिंग 3 तरह के होते हैं।
कॉपी होते हैं, लेकिन तीन तरह से कॉपी होते हैं। पहला होता है रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, और तीसरा होता है मिक्स्ड। रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग, ये तीन तरह की रेफरेंसिंग एक्सेल में होती है। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है कि जब हम फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के दौरान जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया, फॉर्मूला अपना सेल एड्रेस कंटिन्यू चेंज करता है, ठीक है जी। तो जब फॉर्मूला कॉपी करने के दौरान, फॉर्मूला रेफरेंसिंग के दौरान फॉर्मूला अपना सेल एड्रेस चेंज करता है कंटिन्यू, तो इस तरह की रेफरेंसिंग को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत हो जाएगी जी? क्या दिक्कत होगी बेटा? पहला वाला ही सब में आ जाएगा। अगर ये रेफरेंसिंग के दौरान अपना सेल एड्रेस चेंज ना करे, सेल एड्रेस को कांस्टेंट ही रखे, यानी यहाँ आके भी ये A2 प्लस B2 ही रहे, तो रिजल्ट कितना आएगा? यानी आप किसको जोड़ रहे हैं? A2 यानी कि ये डेटा है, B2 यानी कि ये डेटा है, तो 6 और 5 11, यहाँ भी 11 ही आएगा, जबकि 5 और 5 आपका 10 आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट आएगा 11। उसी तरह से यहाँ भी अगर चेंज ना, A2 प्लस B2 ही आ जाए, तो रिजल्ट 11 आएगा, आना चाहिए 19, यानी कि जो आपका एडिशन है वो गलत हो जाएगा। तो ये सही तभी होगा जब ये अपना सेल एड्रेस चेंज करे। और नॉर्मली अगर हम जब रेफरेंसिंग करते हैं, जब भी ड्रैग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फॉर्मूले को, तो वो अपना सेल एड्रेस चेंज करता ही करता है, नहीं कब करेगा वो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी रेफरेंसिंग के दौरान फॉर्मूला अपना सेल एड्रेस चेंज करता है, तो इस तरह की रेफरेंसिंग को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्लियर? यस। चलिए, दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। डेफिनेशन पहले समझिए, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि जब रेफरेंसिंग के दौरान फॉर्मूला अपना सेल एड्रेस चेंज नहीं करे, ठीक है। यानी कि हमने एक फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे A2 प्लस B2 इधर, अब बाकी सेल्स में हम 11 ही प्रिंट करना चाहते हैं कि सब में 11 ही आ जाए, फिर 11 को हमको किसी और के साथ ऐड करना है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे है 5, 6, 10, 9 और 11 के साथ सबको हमको प्रिंट करना है, तो या तो हम सब में 11 11 लिखें, या फिर हम ड्रैग ऐसा कुछ करें कि सब अपने आप सब में 11 आ जाए, ताकि आगे हम एडिशन उसका कर सकें। तो उस कंडीशन में इसको करने के लिए हम करते क्या है, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, हम एक स्ट्रिंग साइन का यूज करते हैं। फॉर्मूला लिखते टाइम इसमें स्ट्रिंग साइन का यूज करते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, इस फॉर्मूले को यहां लिख रहा हूं मैं, ए को यानी जो अल्फाबेट्स है उसको हम स्ट्रिंग के बीच में लिखेंगे, जिसको आप डॉलर साइन भी कहते हैं। तो स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग टू प्लस स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग टू, ठीक है, दिखाई दे रहा है जी? हाँ, तो जब हम ये जो फॉर्मूला में जो अल्फाबेट्स हैं उनके दोनों तरफ स्ट्रिंग साइन लगा देंगे, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग और फिर टू और फिर प्लस, स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग और फिर टू, और इसको लिखने के बाद एंटर करेंगे, तो भी रिजल्ट 11 ही आएगा। इस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्ट्रिंग साइन से, लेकिन जब हम इसकी रेफरेंसिंग करेंगे, यानी जब इसको हम दूसरे सेल में कॉपी करेंगे और फॉर्मूला को यहाँ लाएंगे, तो भी ये सेम फॉर्मूला ही यहाँ आएगा, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग टू प्लस स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग टू, यानी ये सेम फॉर्मूला सारे सेल्स में कॉपी होगा,
और जब सेम फॉर्मूला सारे सेल्स में कॉपी होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे सारा डिजिट 11 11 भी आता जाएगा। तो हमको इस जो डेटा एंट्री करनी थी वो डेटा एंट्री करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे दो चार कॉलम है, लंबा अमाउंट हो दो चार हजार, हजार का दो चार हजार बार हमको 11 लिखना था तो उस समय अगर हमको एंट्री करनी पड़ती तो आधा एक घंटा लग जाता केवल 11 की एंट्री में। लेकिन अगर हम इसके आगे स्ट्रिंग डाल दें दोनों तरफ और उसके बाद उसको केवल ड्रैग कर दें तो सब में 11 आ जाएगा, काम हमारा आसान हो जाएगा। तो जब रिफ्रेंसिंग के दौरान फॉर्मूला अपना सेल एड्रेस चेंज नहीं करता है, नहीं करता है इट मीन्स कि हम उसको नहीं करने देते हैं स्ट्रिंग साइन लगा के, तो उस रिफ्रेंसिंग को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेंसिंग। ठीक है जी? जी बात पल्ले पड़ गई। और तीसरे में तो नाम में ही है मिक्स, यानी कि इन दोनों का मिक्सअप होगा, यानी जिसमें रिलेटिव भी हो और एब्सोल्यूट भी हो, यानी कि ऐसी रिफ्रेंसिंग जिसके दौरान फॉर्मूले का कुछ पार्ट अपना सेल एड्रेस चेंज करते हैं और कुछ पार्ट अपना सेल एड्रेस चेंज नहीं करते हैं, तो इस तरह की रिफ्रेंसिंग को हम लोग कहते हैं मिक्स रिफ्रेंसिंग। एग्जाम्पल लेते हैं 5 5 5 5 7 8 9 10। यहां पे आप देख रहे हैं कि एक डेटा जो है वो कांस्टेंट है, कंटिन्यू है, 5 5 5 5 5 है ना जी। और आपको एक शीट दिया गया जिसमें आपको दिखा कि एक तरफ केवल 5 है और 5 को अलग अलग डेटा से ऐड करना है, और ये 2000 बार ऐसा है, 2000 डेटा है ये, तो ये 5 5 की एंट्री हम बार बार क्यों करेंगे जब ये कांस्टेंट डेटा है। यहाँ पे हम मिक्स रिफ्रेंसिंग का यूज कर लेंगे, कैसे, हम इस एंट्री को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, जो डिफर्ड एंट्री है उसको कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू साइन, इसको कांस्टेंट कर देंगे हम लोग, इसके सेल एड्रेस को कांस्टेंट कर देंगे। क्या लिखेंगे, ऊपर लिखता हूं मैं फॉर्मूला, ऊपर डाल रहा हूं जो यहां पे डलेगा, इसका सेल एड्रेस है A2, इसको कांस्टेंट करते हैं, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग टू प्लस, इसके सेल एड्रेस को छोड़ देंगे, नहीं कांस्टेंट करेंगे, यानी ये अपना सेल एड्रेस चेंज करेगा, कर देंगे B2 एंड देन एंटर। ये फॉर्मूला यहां पे हम डालेंगे, ब्लैंक बताइए, फॉर्मूला यहां पे डालते हैं स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग टू प्लस B2, हो गया। रेफरेंसिंग करेंगे, कॉपी करेंगे, जैसे ही कॉपी करेंगे हम अगले सेल में तो यहां क्या जाएगा, क्योंकि इसका सेल एड्रेस हमने स्ट्रिंग लगा के सेल एड्रेस को कांस्टेंट कर दिया है, यानी ये यही जाएगा, तो स्ट्रिंग A2 प्लस, यहां आते ही इसका सेल एड्रेस चेंज होगा, इसको हमने कांस्टेंट नहीं किया है, तो यहां क्या हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, B3 होगा। अब देखिए इस फॉर्मूले पे काम कीजिए, A2 क्या डेटा है, 5 है जी, 5 है ना, और B3 7 है, 7 और 5 को ऐसे ऐड करेगा, ये कितना रिजल्ट आएगा, 12। अगर हम एंट्री करते सब में 5 5 5 5 तो भी 7 5 कितना आता, 12, 12 ही आता, रिजल्ट सेम ही आता, लेकिन ये एंट्री हमको अलग से बैठ के 1000 बार करनी पड़ती, तो हमने क्या किया कि सिर्फ जो सेम डेटा है उसके सेल एड्रेस को कांस्टेंट कर दिया, यानी उसको चेंज करना का जो उसका प्रोसेस था उसको ब्लॉक कर दिया, और जो डिफर डेटा था उसके सेल एड्रेस को हमने छोड़ दिया, वो चेंज होता रहेगा, तो जब होता रहेगा तो आगे भी ये जाएगा, तो ये सेम रहेगा, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग टू, यहां हो जाएगा B4, तो यानी कि ये फिर से 5 को उठाएगा यहीं से, 8 5 13, तो जो आपको 8 और 5 13 जोड़ना था वो रिजल्ट सेम आता जाएगा। तो ये जो एंट्री हमको एक्स्ट्रा करनी पड़ रही थी सेम डेटा की, वो एंट्री हमको नहीं करनी पड़ी। ठीक है जी? हाँ। तो जब भी रेफरेंसिंग के दौरान फॉर्मूला का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा अपना सेल एड्रेस चेंज करता है और कुछ हिस्सा सेल एड्रेस चेंज नहीं करता है,
तो उस रेफरेंसिंग को हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहते हैं। एग्जांपल आप देके बता सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं।